देश को एक करने के लिए गांधी को एक तगड़ा सिंबल मिला। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने लॉर्ड इरविन को 11 मांगों वाली चिट्ठी लिखी। इनमें कुछ मांगे जनरल यानी आम थी और कुछ खास वर्ग के लिए थी, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर किसान तक जुड़े हुए थे, यानी सबके सब तबकों के लिए, लोगों के लिए ये मांगे थी। और गांधी ने इन मांगों से सब लोगों को कनेक्ट करके उन्हें आगे लेके आना चाहते थे। इन मांगों में सबसे इंपॉर्टेंट थी नमक के ऊपर लगने वाला टैक्स का खात्मा। नमक एक ऐसी चीज थी जिसे अमीर गरीब सब खाते थे और जो कि खाने की सबसे जरूरी चीज थी। गांधी ने कहा कि सरकार की नमक के प्रोडक्शन पे मोनोपोली और उसके ऊपर उस पे लगा टैक्स अंग्रेज सरकार का सबसे दमनकारी चेहरा था। गांधी का यह लेटर एक तरह का अल्टीमेटम यानी वार्निंग थी। लेटर में लिखा था कि अगर डिमांड्स 11 मार्च तक पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देगी। इरविन इस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता था। बस तो गांधी ने अपना खास 78 फॉलोअर्स के साथ नमन कानून तोड़ने के लिए यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा गांधी ने अपने साबरमती के आश्रम से शुरू की और कोई 240 किलोमीटर दूर एक अरेबियन सी के कोस्ट पर गांव दांडी में खत्म होनी थी। ये वॉलंटियर 24 दिन तक रोज 10 मील चलते और रास्ते में सभाएं करते जाते। गांधी और उनका ग्रुप जहां भी रुकता कई लोग उनको सुनने और देखने आते। इन सभाओं में गांधी ने सुनने वालों को स्वराज का मतलब बताया और कहा कि अंग्रेजों का ऑर्डर मत मानो, यानी पीसफुली डिसोबे करो। 6 अप्रैल को गांधी का ग्रुप दांडी पहुंच गया, जहां उन्होंने बड़ी सेरेमनी के साथ समंदर का पानी उबाल कर नमक बनाया और कानून को तोड़ दिया। इस पॉइंट से सिविल डिसोबीडियंस आंदोलन शुरू हुआ माना गया है। बेसिकली एक सरकारी कानून तोड़ने से यह मूवमेंट शुरू हुई। यह नॉन कॉपरेशन से कैसे अलग थी? अब की बार लोगों से सिर्फ कॉपरेशन मना करने को नहीं कहा था, बल्कि कानून तोड़ने के लिए भी कहा गया था। देश में कई जगहों पर लोगों ने नमक बनाकर कानून तोड़ा, नमक की सरकारी फैक्ट्रियों के आगे प्रदर्शन किया। और जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ी, अंग्रेजी इंपोर्टेड कपड़े का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानों को पिकेट किया गया, घेराव किया गया, किसानों ने लगान और चौकीदारी टैक्स देने को मना कर दिया, गांवों के ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया और जंगलों के आसपास रहने वाले लोग फॉरेस्ट लॉज को तोड़ने लगे। वे लोग लकड़ियां इकट्ठा करने और जानवर चराने के लिए रिजर्व्ड एरिया में घुसने लग गए। सरकार इन डेवलपमेंट से परेशान होकर एक एक कांग्रेस नेता को धरकर अंदर करने लगे। इससे जगह जगह लोगों और सरकार के बीच में वायलेंट क्लैश होने लगे। जब गांधी के खास साथी खान अब्दुल गफार खान, जिन्हें बच्चा खान या फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, पुलिस ने पेशावर में अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया, तो उग्र भीड़ सड़कों पर आ गई और प्रदर्शन करने लगे। भीड़ ने आर्मर्ड गाड़ियों का सामना किया और गोलियां खाई, बहुत लोग मारे गए। एक महीने बाद पुलिस ने गांधी जी भी अंदर कर दिए, तो शोलापुर में इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग, कोर्ट की बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन वगैरह जो भी बिल्डिंग अंग्रेज हुकूमत की थी उन पर हमला शुरू कर दिया। कई पुलिस वाले मारे गए, मार्शल लॉ लगा दिया और बाद में पुलिस द्वारा बांधे गए 4 बंदियों को फांसी दे दी गई। एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह से अलग था और कुछ चोरी चौरा जैसा ही था। देखिए, शायद यहां हिस्ट्री ने लोगों के गुस्से को गांधी की अरेस्ट से जोड़ दिया। शोलापुर एक कॉटन इंडस्ट्रियल टाउन है, जहां वर्कर्स की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, बहुत बुरा हाल था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में यहां गांधी की किसी ने नहीं सुनी और बड़ा ठंडा सा रिस्पांस था। पर भारी और उससे बड़ी मंदी और बेरोजगारी, भूख और ताजे ताजे हिंदू मुस्लिम दंगों से लोग सरकार से गुस्सा थे, जो कि हल्की सी चिंगारी से भड़क उठे। मुझे याद है जब मंडल कमीशन के दंगे हुए, तब मैं शायद मैं 8 क्लास में था और मंडल से होने वाले असर का कुछ आइडिया नहीं था। मैं तो बस खुश था कि कुछ क्रांतिकारी भैया लोग स्कूल बंद कराने आए। तो जब कई स्टूडेंट्स ने तोड़फोड़ की, जिन्हें मेरी तरह कुछ मालूम ही नहीं था, उस मॉडल का मंडल विरोध का नाम दे दिया। शायद ये तोड़फोड़, बस चलाना, ट्रेन रोकना, किसी आम आदमी की गाड़ी फूंक देना, जबरदस्ती दुकानें बंद करना, ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि लोगों में बहुत गुस्सा है। दोस्तों, लोग जैसे आज हैं वैसे ही तब भी थे। उन्हें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से मतलब होता था। दंगा करने वालों को तो पता ही नहीं होता कि क्यों कर रहे हैं। बस नेताजी ने मुफ्त की शराब पिलाई, पुलिस भी जेब में है, फूंक दो सब कुछ, क्रांति लानी है। एनीवेज, सरकार डर गई और उसने जोरदार डंडा फेरा, दबाकर दमन किया
और कईयों को तगड़ा तोड़ा, कोई लाख से ऊपर अरेस्ट कर लिए गए, जैसा कि बताया कि मार्शल लॉ लगा दिया और बाद में चार को फांसी भी दी। गांधी ने फिर से सत्याग्रह वापस ले लिया। क्या यार, अपन शांति वाले लोग नहीं है, इस सत्याग्रह में हिंसा करते हैं। और गांधी जी हर बार सत्याग्रह वापस ले लेते हैं, या जब पुलिस का लठ चलता है और भाई अंदर होते हैं तो सत्याग्रह वापस हो जाता है। सच तो इतिहास ही जानता है। और 5 मार्च 1931 को गांधी ने इरविन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इस समझौते को गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, जो पहले गांधी और कांग्रेसी मान नहीं रहे थे। शायद लठ ने उन्हें इंग्लैंड में होने वाली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए मना लिया और बदले में सरकार पॉलिटिकल कैदियों को छोड़ने के लिए मान ली। ये वही कांग्रेसी थे जिन्होंने कातून तोड़े थे, दंगे किए थे और पॉलिटिकल प्रिजनर कहलाए। अपने क्रांतिकारियों को तो कभी छोड़ा ही नहीं गया, उन्हें तो काला पानी सेलुलर जेल अंडमान भेज दिया जाता था। चलो, गांधी जी दिसंबर 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन चले गए, पर बातचीत सिरे नहीं चढ़ी और गांधी जी बैरंग वापस आ गए। या गांधी जी की डिमांड थी कि सिर्फ कांग्रेस ही भारत की ओर से रिप्रेजेंटेटिव हो, पर जिन्ना और आगा खान भी आए थे और अंबेडकर जी भी आए थे और अलग अलग इलेक्ट्रल रिप्रेजेंटेटिव का प्रावधान था। और ऐसा कहा गया था कि गांधी दलितों के रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ थे। हिंदू मुस्लिम एक मत पर राजी नहीं हुए और डर था कि प्रिंसेस यानी रजवाड़ों और मुसलमानों का गठबंधन कांग्रेस को फीका कर देगा। यही कारण था कि यह दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्लॉप हो गई। अब सरकार को एहसास हो गया था कि कांग्रेस में वो बात नहीं है, अकेली कांग्रेस नहीं है बल्कि और भी कई हैं, जैसे जिन्ना, अंबेडकर या रजवाड़े। तो सरकार ने गांधीवादियों को अच्छा कूटना शुरू किया। सरकार ने सॉलिड दमन नीति अपनाई और कांग्रेस को बैन कर दिया। नेहरू, अफगानी पठान, बच्चा खान आदि को अंदर कर दिया, यानी अपने प्यारे पॉलिटिकल प्रिजनर फिर अंदर। मीटिंग्स, धरने, प्रदर्शन सब बैन कर दिए। बड़ी उम्मीद और जोश से गांधी ने फिर सिविल डिसोबीडियंस शुरू किया। कुछ साल भर तक धीमा धीमा चला, पर 1934 आते आते उनकी फूक निकल गई। दोस्तों, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कैसी चली, इसमें किन किन ने हिस्सा लिया और क्यों लिया, उनके क्या मुद्दे थे, ये सब हम अपने अगले वीडियो में जानेंगे।